दोस्तों अगर आप यहां पर अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो यहां पर दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पर यहां पर क्लिक किया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपना पैन कार्ड मात्र 10 मिनट के अंदर फ्री में बिल्कुल बनवा सकते हैं। दोस्तों आज से पहले आपको यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी जिस वीडियो में आपको यहाँ पर पैन कार्ड बनाने का ऑफलाइन प्रोसेस बताया जाता है, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर कम्प्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से मात्र 10 मिनट के अंदर वो भी बिल्कुल फ्री में अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। दोस्तों पैन कार्ड का होना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पैन कार्ड यहाँ पर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, यानी कि आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन होते हैं, यहाँ पर जो भी आप जिस बैंक में भी अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट ओपन करने के लिए या फिर किसी भी बिज़नेस में आपको अगर बैंक से लोन चाहिए तो लोन लेने के लिए आपके पास आपका पैन कार्ड का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं कि आप किस तरह से यहां पर अपना पैन कार्ड मात्र 10 मिनट के अंदर बिना कहीं पर जाए ऑनलाइन अपने मोबाइल या लैपटॉप की हेल्प से बना सकते हैं। बस यहां पर दोस्तों आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपके पास एक आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास ये दोनों चीज हैं तो यहां पर आप अपना पैन कार्ड बड़ी आसानी से मात्र 10 मिनट के अंदर वो भी बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। यहां पर दोस्तों मेन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप यहां पर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं तो मैंने अपना एक नया YouTube चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है नमन अर्निंग गुरुजी। दोस्तों उस YouTube चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके मेरे आप उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों वहीं पर आपको मेरे Telegram चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, तो जाकर आप दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी मेन वीडियो। दोस्तों अपना पैन कार्ड यहाँ पर 10 मिनट के अंदर फ्री में बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या मोबाइल में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली सर्च करना है इनकम टैक्स। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पर इनकम टैक्स सर्च करते हैं आपके सामने ये इनकम टैक्स विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये जो फर्स्ट नंबर की वेबसाइट है ई फिलिंग होम पेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों इस वेबसाइट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर भी आप इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं ई फिलिंग 2.0, यानी कि दोस्तों ये हमारी इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली ऑफिशियल वेबसाइट है। हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस वेबसाइट को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर दिया है, इसमें अब हमें यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें अपना पैन कार्ड 10 मिनट के अंदर फ्री में बनाने के लिए यहाँ पर हमें इस पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन कर देना है। जैसे आप यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करते हैं आपके सामने एक यहाँ पर कॉलम निकल कर आता है आवर सर्विसेज। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारी सर्विसेज मिल जाती है, लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि आप यहां पर 10 मिनट के अंदर अपना पैन कार्ड किस तरह से फ्री में बना सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों अवर सर्विसेज में जाने के बाद यहां पर आपको सबसे पहले सो मोर पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप यहां पर सो मोर पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक ऑप्शन यहां पर निकल कर आता है इंस्टेंट ई पैन कार्ड। तो यहां पर दोस्तों आपको इंस्टेंट ई पैन कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर इंस्टेंट ई पैन कार्ड पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आता है, जैसे कि आप यहां पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। दोस्तों इस पेज को यहां पर ओपन होने में थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि यहां पर ये वेबसाइट काफी ज्यादा ट्रैफिक इस वेबसाइट पर होता है। तो यहां पर अब हमारी वेबसाइट यहां पर खुल के हमारे सामने दोस्तों आ चुकी है। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं इजी वर्ड्स पेपर लेस प्रोसेस, गेट ई पैन कार्ड विद इन 10 मिनट्स, होल्ड सेम वैल्यू एज फिजिकल पैन कार्ड, यानी कि जो आपका यहाँ पर ई पैन कार्ड बनने वाला है दोस्तों इस पैन कार्ड की वैल्यू भी यहाँ पर सेम टू सेम उसी तरह की होने वाली है। और यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ मिल जाएगा ऑल यू नीड इज आधार कार्ड वर्ड्स लिंक्ड मोबाइल नंबर, यानी कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर का लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है ई पैन कार्ड बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमें अपना ई पैन कार्ड यानी कि अपना पैन कार्ड बनाने के लिए यहाँ पर गेट न्यू ई पैन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस निकल कर आता है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर देते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपने आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया है, तो मुझे उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है।
कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर एक ई के वाई सी की यहाँ पर आपकी एक इन्फॉर्मेशन खुलकर आती है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको रीड करने के बाद यहाँ पर आई एग्री पर आपको क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर यहाँ पर लिंक है उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाती है, जैसे कि हमारे नंबर पर भी यहाँ पर ओटीपी आ चुकी है। सो हमें दोस्तों इस ओटीपी को यहाँ पर एंटर कर देना है। तो यहाँ पर हम इस ओटीपी को एंटर कर देते हैं। दोस्तों ओटीपी को एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली आई एग्री यहाँ पर टू वैलिडेट माई आधार कार्ड डिटेल विद यूआईडी पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो आपका ये जो ओटीपी है उस ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करती है एंड वेरीफाई करने में थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर लग जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने आपके आधार कार्ड में जो यहाँ पर फोटो है एंड जो आपके आधार कार्ड में ये जो डिटेल है वो डिटेल यहाँ पर आपको शो हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको आपका आधार कार्ड भी शो हो जाता है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी भी शो हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपके आधार कार्ड में कोई ईमेल आईडी यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको कोई भी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप यहाँ पर चाहते हैं कि आप कोई ईमेल आईडी यहाँ पर इसमें रजिस्टर्ड करें तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ईमेल आईडी यहां पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों हमें अभी फिलहाल कोई भी ईमेल आईडी अपने पैन कार्ड में रजिस्टर्ड नहीं करनी है तो हम यहां पर इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। उसके बाद यहां पर हमें सिंपली आई एक्सेप्ट डेट पर क्लिक कर देना है एंड आई एक्सेप्ट करने के बाद यहां पर हमें सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहां पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको सामने एक ऑप्शन आएगा, इट्स आई रिकमेंड इट इज टू वैलिडेट ईमेल आईडी सो डैट यू कैन बी अपडेट इन पैन कार्ड डाटा बेस, हाउएवर यू कैन स्किप द स्टेप कंटिन्यू विदाउट वैलिडेटिंग। हम यहाँ पर कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये जो हमारा प्रोसेस है ये लगभग यहाँ पर 50% कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद ये थोड़ा टाइम यहाँ पर कंज्यूम कर सकता है क्योंकि दोस्तों जो पैन कार्ड की ये ई फिलिंग वेबसाइट है इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, काफ़ी सारे लोग इस पर अपने पैन कार्ड यहाँ पर बना रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। दोस्तों वेट करने में यहाँ पर कुछ मिनट का टाइम यहाँ पर कंज्यूम हो सकता है तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमारे सामने ये प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आपकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली यहाँ पर अप्रूव हो चुकी है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर सिंपली इस ये जो आपके सामने आपका यूआरएन आया है इस यूआरएन को यहाँ पर आपको कॉपी कर लेना है। दोस्तों कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप यहाँ पर जब कॉपी करें तो आपको बिल्कुल यहाँ पर एज इट इज़ कॉपी करनी है, यहाँ पर आपको कुछ भी चीज़ यहाँ पर नहीं छोड़नी क्योंकि दोस्तों भविष्य में ये यूआरएन नंबर आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। सिंपली हम इस यूआरएन नंबर को नोट पैड में कॉपी कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पर नोट पैड में कॉपी करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर दोस्तों हमें दोबारा से फिर यहाँ पर अपने इंस्टेंट ई पैन कार्ड वाले कॉलम पे आना है। इंस्टेंट ई पैन कार्ड वाले कॉलम पर आने के बाद हमें यहाँ पर दोबारा से यहाँ पर हमें इंस्टेंट ई पैन कार्ड पर क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर दोबारा से इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें क्लिक करने के बाद इस वेबसाइट को दोबारा से ओपन करना होगा। दोस्तों ओपन करने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकती है तो यहाँ पर हमें सिंपली चेक स्टेटस डाउनलोड ई पैन कार्ड पर दोबारा से क्लिक कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन निकल कर आएगा, यहाँ पर हमें सिंपली अपना दोबारा से आधार कार्ड नंबर एंटर कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना आधार कार्ड नंबर दोबारा से एंटर कर दिया है और एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों ये जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ अब पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए मैं ये प्रोसेस यहाँ पर फॉलो कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दोबारा से एक ओटीपी यहाँ पर आएगी तो वो ओटीपी यहाँ पर मुझे सिंपली दोबारा से एंटर कर देनी है। जैसे कि मेरे नंबर पर यहाँ पर दोबारा से वो ओटीपी यहाँ पर आ चुकी है, यहाँ पर दोस्तों ओटीपी मैंने एंटर कर दी है। ओटीपी एंटर करने के बाद यहाँ पर मुझे सिंपली
यहाँ पर मुझे कंटिन्यू पर दोबारा से क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारा ये पैन कार्ड का प्रोसेस यहाँ पर पेंडिंग में है, क्योंकि दोस्तों थोड़ा टाइम यहाँ पर कंज्यूम कर सकता है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है। दोस्तों ये कुछ 5 से 10 मिनट के अंदर यहाँ पर ये पैन कार्ड का डिटेल हमें शो हो जाएगी, तो यहाँ पर हम 5 से 10 मिनट का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों अभी इस प्रोसेस को होने में थोड़ा टाइम यहाँ पर लग सकता है, सो इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर वेट किया तो ये वीडियो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा लंबी यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि आपको अपना ई पैन कार्ड किस तरह से डाउनलोड करना है, और उस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर ई पैन कार्ड को लाइव डाउनलोड करके भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर दोस्तों जब तक आप अगर अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं वो भी फ्री में, सो मेरी वीडियो में बताए हुए प्रोसेस को आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, आपका पैन कार्ड यहाँ पर 10 मिनट के अंदर फ्री में बन जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यहाँ पर शेयर कर दीजिए, ताकि जो लोग भी यहाँ पर अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख कर अपना पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस यहाँ पर सीख सकें। तो दोस्तों जैसे कि आपने मेरी इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस समझ लिया है कि आप किस तरह से अपना पैन कार्ड मात्र 10 मिनट के अंदर बिना किसी जगह पर जाए आप ऑनलाइन बना सकते हैं। सो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जिन लोगों को अभी तक भी नहीं पता है कि वो अपना पैन कार्ड यहाँ पर ऑनलाइन भी बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं, सो वो इस वीडियो को देखकर यहाँ पर पैन कार्ड बनाने का प्रोसेस फ्री में सीख जाएं, और वो यहाँ पर अपने पैसे भी बचा सकें और अपना टाइम भी बचा सकें। सो दोस्तों अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपका ये यूट्यूब चैनल आप ही के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आपको डेली एक न एक यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल वीडियो मिलती रहती है, जिनकी हेल्प से आपकी डेली लाइफ, बैंकिंग की लाइफ और फाइनेंस की लाइफ आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाती है। सो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।